हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन और ये आपकी क्लास 45 है। तो आज का टॉपिक है हमारा वुमेन साइंस कांग्रेस इनॉग्रेटेड, इंडियन साइंस कांग्रेस 2019। वुमेन साइंस कांग्रेस जो है इसने इनॉग्रेट किया है इंडियन साइंस कांग्रेस को 2019 की, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री ने वुमेन साइंस कांग्रेस के साथ मिलकर इस जो इंडियन साइंस कांग्रेस है 2019, इसका इनाग्रेशन किया है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में। तो क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये हमें डिस्कस करना है। तो अबाउट 2.8 लाख साइंटिस्ट जो हैं वो एम्प्लॉयड हुए हैं अगर आप देखें रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस में, और उसमें ऑलमोस्ट 39,000 जो हैं वो वुमेन हैं या फीमेल हैं। और ये बेसिकली अगर हम देखें तो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है हमारी कंट्री की और वहाँ से ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा 81% ऑफ फीमेल्स जो हैं वो स्टेम में हैं। स्टेम का मतलब होता है साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा जेंडर बायसनेस होती है स्टेम फील्ड में, मतलब साइंस में हमेशा ये बोला जाता है कि साइंस जो होता है वो जेंडर बायस्ड फील है, वहाँ पर फीमेल्स नहीं जाती हैं। उसके अलावा जो इन्होंने बात करी है वो ये है कि एक सोविनियर बुक लॉन्च की गई है और वुमेन साइंस कांग्रेस की, जो कि रिलेटेड है इस ओकेजन से। इसके अलावा इंडियन साइंस कांग्रेस जो है उसका जो थीम है वो है फ्यूचर इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा यहाँ पे जो वुमेन साइंस कांग्रेस है उसने ये भी शोकेस किया है कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वुमेन का इन द फील्ड ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड द सोसाइटी। इस जो ये इंपॉर्टेंट टू डे इवेंट था इसमें बहुत सारी रिनाउंड वुमेन साइंटिस्ट थी और वुमेन लीडर थी जिन्होंने बोला, डिसीजन मेकर्स जो थी उन्होंने भी यहाँ पे पैनल डिस्कशंस किया और उन्होंने लेक्चर्स को डिलीवर किया एंड पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा यहाँ पे एक ग्राफ है आपके सामने जिसमें एक सर्वे किया गया है जहाँ पे बताया गया है कि जो हायर एजुकेशन है उसमें वुमेन का कितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन है इन कंपेरिजन ऑफ मेन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही मतलब यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि मेन का कितना ज़्यादा है और वुमेन का कितना कम पार्टिसिपेशन है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डेटाज थे इस टॉपिक से रिलेटेड। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।